अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने वाले हैं कार्विंग। ठीक है, कार्विंग जो है ना वो शुरू शुरू में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको आसान हो जाएगी। और आज मैं इंशाल्लाह बहुत आसान स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी कार्विंग करना। सही, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास वैक्स का एक क्यूब ब्लॉक है, तो इस पर मैं आज इंशाल्लाह बनाऊंगी मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, तो आज हम मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की कार्विंग करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो हूँ ब्लैक मार्कर यूज़ करूँगी इस पर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे जो हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट से इसमें ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लैक मार्कर, और आप भी आसानी के लिए अपने ब्लैक मार्कर यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें स्टेप वन जो हमने मैंने यहाँ पे स्टेप वन में है, हमने ड्रॉ दी डायमेंशन। अब मैंने यहाँ पे वर्नल कैलिपर स्केल से आप देख रहे हैं कि कुछ डॉट्स लगाए हैं, वो बेसिकली मैंने इसकी डायमेंशन ली है हर जगह से अलग अलग। ठीक है, तो जो ये मेरे पास जो ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास इंसाइजल है मेसोडिस्टल, ये हमारे पास सर्वाइकल है मेसोडिस्टल, और लास्ट हमारे पास रूट है। और दूसरी तरफ मैंने क्यूब में ड्रॉ किए हुए हैं हमारे पास मेसोडिस्टल साइड। सही है, तो अब मैं यहाँ पे मार्कर से इन डॉट्स को मिलाकर एक रफली सा हम ड्रॉ कर रही हूँ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर मेसोडिस्टल साइड से भी ड्रॉ कर लेती हूँ। सही है, सामने वाला मैंने लेबियल या लिंगुअल साइड बनाया है, और जो दूसरी साइड है ब्लॉक की वो मेसोडिस्टल साइड है। अब स्टेप टू पर हम आ जाएं, जो है हम सिर्फ हमें ब्लॉक कट करना है दोनों तरफ से। ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ी नाइफ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉक को दो तरफ से कट लगाना है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, जब मैं यहाँ से ब्लॉक को कट लगाऊंगी ना तो तकरीबन मेरे पास एक रफली सा स्ट्रक्चर आ जाएगा जो हमारे पास दूध की चारों साइड्स होंगी। ठीक है, देखें ये मेरे पास जो है एक दूध की रफली चारों सरफेसेस मेरे पास आ गई हैं, जिसमें से मेरी मर्ज़ी के मैं किसको भी लेबियल बना सकूँ, किसी को भी लिंगल बनाऊँ, किसी को भी मेजल बनाऊँ, क्या किसी को भी डिस्टल साइड बनाऊँ। सही है, तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी बाकी दो साइड को थोड़ा स्मूथ करूँगी कार्वर से। सही, ताकि हमें जो हम जब टूथ को शेप दे रहे होंगे तो उससे हमारे लिए आसानी होगी। दो तो आपको पता है कि हमारे पास पहले ही स्मूथ है, बाकी की जो दो रफ सरफेसेस हैं ना हम उनको कार्वर से स्मूथ करेंगे। सही, तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने इसमें दोबारा ड्रॉ कर लिया है क्योंकि स्मूदिंग करते वक्त जो है मेरे ड्राइंग जो मैंने बनाई थी वो मिट गई थी, तो मैंने इसमें दोबारा ड्रॉ किया है। अब इसमें एक मेजल साइड है, एक लेबल साइड है, ये डिस्टल साइड है और ये लिंगुअल साइड है। ठीक है, तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कौन सी साइड को क्या बनाना है, तो मैं अब उसी तरह इस दूध को शेप दूंगी। सही है, तो अब जो है हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है हमारे पास शेप दी रूट। तो सबसे पहले मैं रूट को शेप दूंगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बुक्स में दिखाऊं तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की रूट कैसे होती है, पहले स्ट्रेट जा रही है, फिर एपिक्स में ये थोड़ी हमारे पास ब्लेंड होती है, यानी कोनिकल आ जाती है बिल्कुल एपिक्स में। सही है, तो पहले हमारे पास स्ट्रेट होती है और एपिक्स में कोनिकल आ जाती है। तो सबसे पहले हम जो है इस रूट को शेप देंगे। अच्छा, फिलहाल आप देख रहे हैं कि मैं रूट इतनी कॉनिकल नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की रूट जो है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एपेक्स में कॉनिकल होती है। तो मैं 45 डिग्री के एंगल पे इसको काट तो रही हूँ, लेकिन ये मेरी इतनी कॉनिकल नहीं जाएगी। तो आप लोग ने भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल कॉनिकल नहीं बनानी, बल्कि थोड़ा सा इसको ऑब्लिक तो काटना है, लेकिन बिल्कुल कॉनिकल नहीं काटना। देखें ये जैसे मैंने स्ट्रेट लग रही है और ये कॉनिकल भी लग रही है, चारों तरफ से मैंने इसी तरह काट दिया है। सही है, अब हम इसके एपिक्स में, चूँकि एपिक्स आपको पता है थोड़ा कॉनिकल होता है, तो हम बिल्कुल एपिक्स से कॉनिकल इसको शेप देते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह कॉनिकल हमने बना दिया है। सही, देखिए ये कॉनिकल हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको कार्वर चला के इसको स्मूथ करना है। ठीक है, अभी हम रूट को सिर्फ और सिर्फ शेप दे रहे हैं। ठीक है, अभी रूट पे हमारे पास बहुत काम है। इस तरह हम हल्के हाथ से कार्वर चलाते रहेंगे। देखिए ज़ोर से कार्वर नहीं चलाना है वरना वैक्स रिमूव होती है। अगर आप हल्के हाथ से कार्वर चलाएंगे तो सिर्फ एक्स्ट्रा वैक्स रिमूव हो रही होगी। ठीक है, तो बस इस तरह हल्के हाथ से कार्वर चलाते रहना है आपने रूट के चारों तरफ। सही, तो अब हम आ जाते हैं स्टेप फोर पे। स्टेप फोर है हमारे पास शेप दी क्राउन। जिस तरह हमने रूट को शेप दी है, अभी रूट पे बहुत सारा काम बाकी है। और देखिए मेरे पास रूट में एक बबल भी आ गया है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कार्वर चलाना होगा। ठीक है, तो उसी तरह हम क्राउन को भी शेप देंगे। ठीक है, रूट तो आसान थी, खैर असली मुश्किल काम तो क्राउन को शेप देना होता है। ठीक है,
पता है इसमें मेरी लेबियल साइड कौन सी थी, लिंगुअल साइड कौन सी थी, ठीक है। तो ये है मेरी लेबियल साइड। अगर मैं आपको मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की पिक्चर दिखाऊं या डायग्राम दिखाऊं बुक से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है वो हमारे पास थोड़ा कॉनकेव होता है लेबियल साइड पर, ठीक है। तो यानी हमें इसको भी कॉनकेव बनाना है। अब हम इसको कॉनकेव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो मैं जो काम करूँगी वो ये करूँगी कि इसमें लेबियल साइड पर ही मैं सर्वाइकल लाइन से, यानी लेबियो सर्वाइकल, सॉरी इंसाइजर सर्वाइकल जो इसकी मेजरमेंट है ना, वो मैं वर्नर कैलिपर से ड्रॉ करके कंफर्म करके इसकी एक रफ सर्वाइकल लाइन जो है ना वो मैं ड्रॉ करूँगी अब, ठीक है। ये मैंने एक रफ जो है वो लाइन खींची है, सही है। अब यहाँ पे मैं सर्वाइकल लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये मैंने सर्वाइकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब जो मेरा कार्वर है ना उसकी जो दूसरी तरफ होती है ना, वहाँ पे ये हमारे पास एज अ स्पून शेप जो है ना प्रेजेंट होता है इंस्ट्रूमेंट। तो इस स्पून से मैं यहाँ पे जो मेरी सर्वाइकल लाइन है उसको जो है यहाँ से रिमूव करूँगी, यानी इस स्पून से ड्रॉ करूँगी सर्वाइकल लाइन अपनी वैक्स पे, ठीक है। थोड़ा मुझे ये वज़न देकर यानी डीप थोड़ा करना पड़ेगा, तो ये इस तरह इसमें सर्वाइकल लाइन हो जाएगी, सही है। अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि हमें कॉनकेविटी देनी है, तो हम यहाँ से इसकी सर्वाइकल लाइन से थोड़ा वैक्स रिमूव करते हैं, यानी इस सर्वाइकल लाइन को हम थोड़ा डीप करेंगे अंदर। अब मैं यहाँ उस पर इसको थोड़ा डीप करती रहूँगी सर्वाइकल लाइन को, सही है। आप साइड से भी देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें ऊपर साइड से भी कॉनकेविटी देने के लिए इस तरह कार्वर के 45 डिग्री के एंगल पर मैं सारी वैक्स रिमूव करूँगी, ठीक है। मैंने साइड पे रखा इसको और इसको 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह पूरी वैक्स रिमूव कर दी, यानी हमने एक कॉर्नर इसका रिमूव कर दिया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें इसको कॉनकेविटी देनी है, सही है। अब हम क्या करेंगे कि सर्वाइकल लाइन से थोड़ा और वैक्स रिमूव करेंगे, ठीक है। इसी तरह स्पून को मैं यूज़ करके आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से किस तरह वैक्स रिमूव कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह आप लोग ने भी वैक्स रिमूव करनी है। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़ोर से कार्वर चलाना होगा, हल्के हाथ से नहीं काम चलेगा। अब ये मैंने नीचे से भी रिमूव कर दी है और ऊपर से भी। अब आपको एक रफली कॉनकेव शेप तो नज़र आ रहा है मेजर डिस्टल साइड से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह जो आपको कॉनकेविटी नज़र आ रही है, अब हमें सिर्फ इस पर जो है कार्वर चला के वो स्मूथ करना है इसको, ठीक है। ये आपको दोनों साइड से नज़र आ रही होगी, इस तरह मेजर साइड से भी और डिस्टल साइड से भी। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ और सिर्फ कार्वर चला के क्या है, स्मूथ करना है बस। अब यहाँ पे आपने हल्के हाथ से कार्वर चलाना है ताकि जो एक्स्ट्रा वैक्स है सिर्फ वो रिमूव हो, इसके अलावा कोई वैक्स रिमूव ना हो। हल्के हाथ से आप कार्वर चलाएंगे, पहले नीचे का आप लेवल करेंगे, फिर उसके बाद आप ऊपर से लेवल करेंगे। इस तरह मैंने इसको स्मूथ कर दिया और ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें हमें और काम करना है, इसको और स्मूथ करना है। ये बीच में जो ये लाइंस नज़र आ रही ना, ये नज़र नहीं आनी चाहिए, इसलिए जब तक ये लाइंस गायब ना हो जाए मैं इसमें कार्वर चलाती रहूँगी, ठीक है। ये देखें, अब ये कितना अच्छा परफेक्टली स्मूथ लग रहा है। अब आप इसको जिस साइड से भी देखेंगे ना, चाहे आप इसको लेबल साइड से देखें, या चाहे आप इसको मेजर साइड से देखें, या चाहे आप इसको डिस्टल साइड से देखें, आप इसको जिस साइड से भी देखेंगे ना, ये आपको परफेक्टली स्मूथ लगेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी लिंगुअल साइड के ऊपर। लिंगुअल साइड पर भी हम वैसे ही सर्वाइकल लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, जैसे हमने लेबल साइड पर ड्रॉ की थी।
नीचे ही बना दिया हर इसके सर्वाइकल लाइन। तो लेकिन अब मैं जब इसको स्पून से इसको डैप करूँगी, थोड़ा डीप करूँगी, तो मैं थोड़ी सी इसके ऊपर कर लूँगी। देखिए मैंने मार्किंग से थोड़ी ऊपर दी है सर्वाइकल लाइन। अच्छा, यहाँ जिस तरह हमने लेबियल साइड पे इसको डीप किया था ना, हम इसको यहाँ पर डीप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बनाना है सिंगुलर। तो बस मैंने सिर्फ दो दफ़ा आपने देखा है कि स्पून चलाया, उसके बाद सर्वाइकल लाइन को छोड़ दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर हमारे पास इसकी लिंगुअल साइड पर देखें कि पहले कॉन्वेक्सिटी आती है एंड देन वी हैव द कॉन्केविटी। फर्स्ट वी हैव कॉन्वेक्सिटी एंड देन द कॉन्केविटी। तो हमें ये हम कैसे बनाएंगे लिंगल साइड पे? देखें, ये लिंगल साइड पे बनाने के लिए हमें इसके मेजर साइड पे ड्राइंग करनी पड़ेगी थोड़ा सा। उसके लिए मैं फिर से ब्लैक मार्कर का यूज़ करूँगी और रफली इसको ड्रॉ कर दूँगी। पहले मैंने बनाई एक कॉन्केविटी और फिर मैंने बना दी कॉन्वेक्सिटी। सही, अभी चूँकि मैं एक ही साइड पर ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं यहीं से जब कटिंग करूँगी तो हमारे पास दूसरे साइड पर भी ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगी। सही है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने कार्वर रखना है किस तरह। सही है, अब मैं कार्वर रखूँगी सीधा और स्ट्रेट एक ही प्रेशर, मतलब इसमें आपने बीच में रुकना नहीं है, आपको एक ही दफ़ा प्रेशर से इतना ज़ोर से इसको नीचे लेकर जाना है कि वो दूसरी साइड पर भी बिल्कुल वैसा ही हमारे पास कटिंग हो जिस तरह हम यहाँ से काट रहे हैं। ये आपको बिल्कुल प्रेशर से करना है और हल्के हल्के करना है। बाज़ अवकात ऐसा करते वक्त कभी कभार बच्चों का हमारे पास टूट भी जाता है। एक मैंने स्ट्रेट कट लगाया है और एक मैं इस तरह कट लगाऊँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक तकरीबन एल शेप यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इस तरह करते वक्त बहुत सारे बच्चों को वो जो हमारे पास वैक्स जो है वो टूट जाती है और उनको फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। सही है, अब मैं करती हूँ दूसरी साइड पर। मेरा यहाँ से कॉर्नर थोड़ा सही नहीं बना था तो मैं यहाँ से कार्वर चला के इसका कॉर्नर से करती हूँ। फिलहाल जो हमने आपको पता है कि यहाँ से हमें कॉन्केविटी चाहिए, तो कॉन्वेक्सिटी में मेरे पास नोक आ रही है। ठीक है, तो अब मुझे इस नोक को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे कार्वर चलाऊँगी तो जो मेरे पास कॉन्वेक्सिटी के ऊपर जो पॉइंट जो नोक बन रही थी ना, वो मेरे पास जो है वैसे ही हट जाएगी। यहाँ से भी मैं कार्वर चला के थोड़ा सा स्मूथ करूँगी। ठीक है, देखें ये स्मूथ हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाने वाले हैं इसका सिंगुलम। ठीक है, अच्छा, सिंगुलम बनाने का एक तरीका होता है कि आपको सिंगुलम बनाने के लिए क्या करना होगा कि आप इसका मीजियल या डिस्टल साइड जो भी है, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले आप इसकी सर्वाइकल लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, आप इसकी वहाँ पे सबसे पहले सर्वाइकल लाइन ड्रॉ करें। अब चूँकि मैंने लेबियल साइड और लिंगल साइड के सर्वाइकल लाइन ड्रॉ की हुई है तो मुझे तकरीबन इतना अंदाज़ा है कि दोनों के अगर मैं सर्वाइकल लाइन मिलाऊंगी तो बन जाएगी। ठीक है, पे कार्वर रखूँगी अपना। सही है, जो मेरे पास ये है, मैं यहाँ से कार्वर लेकर जाऊँगी। ठीक है, और लिंगुअल साइड के सर्वाइकल लाइन तक लेकर जाऊंगी और इस तरह हल्के हाथ से वैक्स रिमूव करती रहूंगी। अगर आप आसान लफ्ज में समझना चाहें तो समझिए जो कोना है ना इसका, जो कॉर्नर बन रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं रिमूव करती जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मेजर साइड से लूंगी और लिंगुअल साइड के सर्वाइकल लाइन तक पूरा एक ही हाथ से कार्वर चलाऊंगी और इसी तरह मैं रिपीटेटिवली करती रहूँगी। सेम एज इट इज़ मैं डिजिटल साइड से भी कर रही हूँ कि वहाँ से कार्वर चला रही हूँ और लिंगुअल साइड के सर्वाइकल लाइन तक लेकर जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं सिर्फ वैक्स रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको ना कोई डीप नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ जो वैक्स वहाँ पे जमा हो रही है ना, मैं सिर्फ उसको रिमूव कर रही हूँ। लिंगुअल साइड के सर्वाइकल लाइन को आपने डीप लेकर ही नहीं जाना है। ठीक है,
यहाँ पे नाइफ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। स्पून से मेरा काम हो गया, स्पून से मैंने सारे कॉर्नर जो है ना वो ख़त्म किए हैं, ठीक है। जो एक कॉर्नर बन रहे थे वो मैंने स्पून से ख़त्म किए हैं। अब मैं इस कार्वर से जो है हल्के हाथ से इसको स्मूथ करती रहूँगी, ठीक है, इस नाइफ से जो है स्मूथ करते रहोगे। तो आप देखिए कि किस सिंगुलम आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही हमारे पास जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं फाइनली द सिंगुलम इज़ रेडी। ये कितना प्यारा और कितना परफेक्ट सिंगुलम बना है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको दोनों साइड से देख रही हूँ, सही है। तो ये बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट सिंगुलम बना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ फॉसा बनाते हैं। जैसा आपको पता है कि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में हमारे पास एम शेप फॉसा होता है, तो मैंने इसी तरह मार्कर से ड्रॉ कर दिया है। और अब स्पून से मैं वैक्स रिमूव करूँगी। देखिए वैक्स रिमूव करने का काम जो है ना वो हम स्पून से ही करते हैं। देखिए मेरे यहाँ से थोड़ा सा मेरा टूथ क्रैक भी हो गया है, वो जब मैं स्ट्रेट लेकर जा रही थी। खैर शुक्र है टूटा नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एहतियात से काम करना होगा। तो अब चूंकि मुझे वैक्स रिमूव करनी है फॉसा बनाने के लिए, तो मैं जो हूँ यहाँ पे यूज़ करूँगी स्पून, और स्पून से मैं वैक्स रिमूव कर दूँगी। जैसा आपको पता है कि हमारे पास जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होता है उसकी मेजर और डिस्टल मार्जिनल रिजेस भी काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, तो फॉसा बनाते वक्त मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो हूँ इसकी मार्जिनल रिजेस जो है वो ख़त्म ना कर दूँ। तो मार्जिनल रिजेस प्रोमिनेंट करने के लिए मैं नाइफ यूज़ करूँगी, और साइड से जगह छोड़ कर मैं यहाँ से फॉसा में थोड़ा डीप अंदर लेकर जाती रहूँगी नाइफ, ताकि मेरे पास मार्जिनल रिजेस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, सही है। अच्छा मैं जो हूँ ना पर्सनली पेंट ब्रश भी यूज़ करती हूँ कार्विंग करते वक्त। कुछ वैक्स हमारे पास हमारे मतलब टूथ में ही चिपक रही होती है, तो उसको हम बच्चे जो हैं अपने जो हम इंस्ट्रूमेंट है उसी से रिमूव कर रहे होते हैं, और रिमूव करते करते वो अपना दांत जो है कहीं से तोड़ देते हैं, कहीं से क्रैक कर देते हैं। तो मैं उसके लिए जो है ना पेंट ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे आसानी होती है उस तरह रिमूव करने के लिए, सही है। देख रहे हैं ये मैंने जो है तकरीबन जो है इसकी सर्वाइकल लाइन जो है वो प्रोमिनेंट, जो मार्जिन लाइन है वो उसकी प्रोमिनेंट हो गई है, और फॉसा भी हमारे पास बन चुका है, सही है, एम शेप फॉसा है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है इसकी लिंगुअल साइड भी हो गई है कंप्लीट, सही है। Thank you.
ये देखें कितनी क्लियर दिख रही है, एक हमारे पास मेसियल मार्जिनल रिज और एक हमारे पास डिस्टल मार्जिनल रिज, ठीक है, दोनों हमारे पास हो गई। अच्छा अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने लिंगुअल साइड पे कॉर्नर्स ख़त्म किए थे ना, इसी तरह हमें बिल्कुल लेबियल साइड पे भी इसके जो किनारे जो कॉर्नर्स बन रहे हैं ना उसको भी ख़त्म करना है, क्योंकि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जब होता है पूरा एक राउंड शेप होता है, उसमें कहीं कॉर्नर्स नहीं आते, तो ये यहाँ पर भी हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे कि मेसियल डिस्टल साइड से हम यहाँ पर नाइफ रखेंगे और सिंपल हल्का उसको कार्वर जो है वो अपनी लेबियल साइड के सर्वाइकल लाइन तक लेकर जाएंगे, ठीक है, उसमें भी हम इसी तरह कार्वर चलाएंगे और यहाँ पे हम हल्के हाथ से कार्वर चलाएंगे। यहाँ पे हमें इतना वैक्स नहीं रिमूव करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हम मेसियल साइड से लेकर लेबियल साइड की सर्वाइकल लाइन तक अपना कार्वर या नाइफ़ लेकर जाएंगे। सेम एज इट इज़ हम दूसरे साइड से भी करेंगे। यहाँ से मेरा टूथ भी थोड़ा क्रैक हुआ हुआ है, तो मुझे यहाँ पे तो बहुत ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि अगर मेरा ये टूट गया तो पूरा मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरा क्राउन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, मेसियल साइड से, लिंगुअल साइड से, डिस्टल साइड से और लेबियल साइड से, चारों साइड से मैंने इसको कर लिया। अब बस ये होता है कि अब आपके हाथ में आपका तो होता है, आपको ज़्यादा उसमें नज़र आ रहा है कि मुझे कहाँ से उसको और कार्व करना है, कहाँ से उसको और स्मूथ करना है, तो आप फिर उस हिसाब से वहाँ पर अपने कार्वर चलाएं। अब मेरे को यहाँ पर मेरी सर्वाइकल लाइन मुझे थोड़ी क्लियर करनी है, ठीक है, तो सर्वाइकल लाइन को मैं अपना क्लियर करूँगी और इसलिए मैं यहाँ पर कार्वर चला रही हूँ, सही है। तो आपके हाथ में टूथ होगा, आपको ज़्यादा उसमें बेहतर पता होगा कि आपको कहाँ से कार्वर चलाना है, सही है। अब हम अपने आखिरी स्टेप पे आ जाते हैं, जो है लेवल रूट एंड क्राउन, दोनों को हमें लेवल करना है, और वो हम किस तरह करेंगे कि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को मैं एपिक से पकड़ूंगी और कार्वर चलाऊंगी रूट पे, वो भी इसके क्राउन की तरफ, ठीक है। तो जब मैं क्राउन की तरफ चलाऊंगी ना कार्वर, तो ये खुद हमारे पास जो रूट है वो क्राउन के इक्वल हो जाएगी और क्राउन के लेवल पर आ जाएगी, सही है। तो इसी तरह मुझे कार्वर चलाते रहना है, और जब तक मेरा जो रूट है वो क्राउन के लेवल पर नहीं आ जाएगा, मुझे अपना कार्वर स्टॉप नहीं करना है, मैं कार्वर चलाती रहूँगी।
अच्छा, जैसे हमने क्राउन की डायमेंशन दी थी, हम रूट की डायमेंशन भी कन्फर्म कर लेते हैं और फिर रूट को भी उतना ही कर लेते हैं, क्योंकि रूट भी आपको पता है मैंने शुरू में थोड़ी बड़ी ही रखी थी। सही है, तो मैं यहाँ पर जो है रूट को भी करके इसको छोटा कर रही हूँ, रूट को जो इसके एक्चुअल हमारे पास होती है 14 मीटर्स। सही है, और हमने 13 होती है, मैंने खैर 14 ली हुई थी। सही है, तो ये मैंने कर लिया इसको। अब क्या करना है, अब हम बस इसके एपिक्स को भी हम स्मूथ करेंगे और सारी हम इसी तरह लेवल करेंगे। जब हम रूट को लेवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास सर्वाइकल लाइन थोड़ी यहाँ पे उसमें वैक्स जमा हो जाती है, तो उस वैक्स को भी मैं रिमूव कर दूँगी नाइफ को उल्टी तरफ से यूज़ करके। मैं वहाँ से वैक्स निकालूँगी और सर्वाइकल लाइन को क्लियर करूँगी। ठीक है, अब आपको जहाँ से दिख रही होगी कि ज़रूरत है मुझे यहाँ से, मेरी रूट की शेप थोड़ी ख़राब है या क्राउन की शेप थोड़ी ख़राब है, तो आप वहाँ से आराम से हल्के हाथ से कार्वर चला के उसको क्लियर कर सकते हैं। सही है, और ये हमारे पास हो गया है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर।